Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. So students, now I will start exercise 1.3. Question number 1, students. Let f such that 1, 3, 4 equal 1, 2, 5 and g such that 1, 2, 5 implies that 1, 3 be given by f equal to 1, 2, 3, 5, 4, 1. तो ये स्टूडेंट्स f की वैल्यू दी गई है और ये g की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करना है गॉफ। तो स्टूडेंट्स कल हमने आपको बताया था कि देखिए f सच दैट अगर इसको हम a मानते हैं, a से b है, और g सच दैट b टू c है, तो जो स्टूडेंट्स इसका कोडोमेन होगा वही इसका जो है डोमेन होगा। ये हमने कल आपको ये बताया भी था कि अगर इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर x लेते हैं और यहाँ पर एफ एक्स आएगा, यानी ये एक फंक्शन f है और ये दूसरा फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स, g था। तो यहाँ पर क्या आ गया था, ये आया था g ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर आ गया था स्टूडेंट्स g ऑफ एफ एक्स आया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं फॉग और गॉफ स्टूडेंट, तो g ऑफ एफ एक्स आया था। तो अब स्टूडेंट इसमें हमें गॉफ फाइंड करना है, तो देखिए लास्ट में क्या लिखा f, तो इसलिए स्टूडेंट ये जो है वैल्यू x की वैल्यू है, ये वैल्यू जो दी गई हैं वो x की वैल्यू दी गई है। तो गॉफ फाइंड करने के लिए हमें गॉफ में क्या फाइंड करना पड़ेगा ये स्टूडेंट पता नहीं है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, गॉफ 1 फाइंड करना है, फिर इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है गॉफ 3, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें फाइंड करेंगे गॉफ 4। तो ये इतना स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, इतनी चीज़ें आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए गॉफ 1 फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा गॉफ 1 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जी ऑफ एफ 1। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि एफ 1 की वैल्यू क्या है, तो वो स्टूडेंट यहाँ से पता चलेगी। देखिए एफ 1 की वैल्यू 2 है, इधर मैं इसको लिख दे रहा, देखिए एफ 1 की वैल्यू 2 है, ये है 1, तो ये एक्स की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है, तो एफ 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एफ 3 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, और एफ 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ से ये वैल्यू हम स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे, देखिए जी 1, 3 हो गया, जी 2 क्या हो गया, ये भी 3 हो गया, और जी 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये एफ और जी को देख करके ये चीज़ हम पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये हमें फाइंड करना था, तो देखिए जी ऑफ एफ 1, तो एफ 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2, तो ये हमें एफ 1 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ये जी 2 आ गया। अब जी 2 कितना है, देखिए स्टूडेंट 3 है, तो ये आ गया हमारा कि गॉफ 1 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स गॉफ 3, तो देखिए गॉफ 3 फाइंड करने के लिए इसको हम लिख सकते जी ऑफ एफ 3। अब इधर एफ 3 की वैल्यू दी गई है 5 स्टूडेंट्स, तो ये इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया जी 5। अब जी 5 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1, तो ये आ गया हमारा देखिए गॉफ 3, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है गॉफ 4, तो अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा जी ऑफ एफ 4। अब देखिए एफ 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ गया जी 1। अब जी 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये स्टूडेंट इसका इस तरीके से आंसर हो गया, तो यही हमारा क्या है गॉफ हो गया। तो गॉफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते स्टूडेंट्स हम, गॉफ ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए इसमें हमने क्या फाइंड किया, 1, तो 1 की वैल्यू स्टूडेंट गॉफ 1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई, तो ये हो गया 1, 3 पहले लिखी जाएगी, यहाँ पर ये जो होता है x की वैल्यू लिखी जाएगी, तो 1, 3, 4, तो 1 आ गया, फिर इधर आ जाएगा 3,
अब स्टूडेंट गॉफ थ्री की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, फिर इसके बाद गॉफ फोर, तो ये आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो ये आ गया स्टूडेंट्स गॉफ हमारा कितना, ये आ गया इस तरीके से। जैसे ये यहाँ एफ लिखा था इस फॉर्म में, जी लिखा था इसी फॉर्म में, उसी फॉर्म में हमने किसको लिख दिया, गॉफ को लिख दिया। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स, ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिए और प्लीज़ प्लीज़ हमारे जो है चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब भी करिए।